के लिए हमने आपको यहाँ तकलीफ दी। विषय है कि जम्मू के अंदर एक धर्म संसद होने जा रही है जिसमें अपने संत समाज के विषय रखे जाएंगे और उस पर चर्चा की जाएगी। पिछली धर्म संसद आरसपुरा के अंदर वीर रविनाथ जी द्वारा हुई थी। अभी हमारा ये रहेगा कि हम इसको दोबारा जम्मू में करने जा रहे हैं। और दूसरा विषय, परमंडल के अंदर जितने हमारे शहीद पूरे जम्मू कश्मीर में हुए हैं, अभी पितृपक्ष चल रहा है, उनके लिए 8 तारीख को परमंडल के अंदर हमने एक सामूहिक पितृ पूजा जो है उनके लिए रखी है, ताकि जो सैनिक शहीद फोर्सेस के शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि भी दे सकें और उनके लिए हम जो एक सामूहिक पितृ पूजन है वो वहां रखा है। 8 तारीख को 12 बजे शुरू होगा और 2 बजे के बाद ब्राह्मण भोज है, उसमें संत समाज हमारा सारा एकत्रित होगा। आज विषय धर्म संसद का भी है कि जिसमें हमारे और महामंत्री अभय गिरी जी हैं और साथ में मोहन भारती जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं और सलाहकार महंत जसमेर जी हैं, कोतवाल जी हैं, गिरजा गिरी जी हैं, बाकी साथी महंत साथी आए हैं। तो मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि धर्म संसद जो होने जा रही है उसमें मुद्दे रखे जाएंगे। इस केंद्र सरकार ने क्या किया और जम्मू कश्मीर की सरकार ने संतों के प्रति मठ मंदिरों के अंदर कैसा रवैया रखा, ये चर्चा होगी। और एक हमने निवेदन जो है राज्यपाल उपराज्यपाल जी के कार्यालय में भेजा है कि वो हमें बुलाएंगे और पहले हम उनसे भी बैठ के व्यवस्था की करेंगे कि क्या क्या मुद्दे हमारे रहेंगे। देख रहे हैं कि अभी प्रेस वार्ता को आप लोगों को संबोधित किया हमारे माननीय महंत राजेश गिरी जी महाराज ने, सब विस्तार से बताया कि जम्मू के अंदर 26 तारीख को जो धर्म संसद होने जा रही है जिसमें हम जम्मू कश्मीर के संत समाज के मठ मंदिरों के कई मुद्दे हैं, जिसके अंदर पहला मुद्दा तो मठ मंदिरों की भूमियों को कई भू माफियाओं ने कब्जा करके रखा है। मंदिरों के अंदर कई दुकानों के अंदर दुकानदारों ने कब्जा करके रखा है और उनको हमारा छुड़ाने का पहला प्रयास रहेगा। दूसरा, धर्म संसद के अंदर ये यहाँ पर विषय रखा जाएगा कि कश्मीर के अंदर आज भी हमारे कई ऐसे मठ मंदिर है जो 89-90 के दशक में उग्रवादियों ने जला दिए थे, लेकिन सरकार ने कहा मंदिर खोलेंगे, उनका पुनः जीर्णोद्वार करेंगे, लेकिन ये बात कागजी कार्रवाई तक सीमित रही, प्रैक्टिकल नहीं हुआ। हमारा प्रयास रहेगा कि सारे जितने भी कश्मीर के अंदर मठ मंदिर है उनको पुनः खोला जाए, जहां लोग पूजा आरती करें और वहां पर भगवान की आराधना करें। हर हर महादेव।